के पंचांग की। आज है 10 अप्रैल 2023, दिन है सोमवार। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 6:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:43 पर। आज चंद्रोदय होगा रात में 11:07 पर, चंद्रास्त होगा सुबह 8:31 पर। चंद्रमा रहेगा वृश्चिक राशि में। कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, व्यतिपात योग है। सोम मुहूर्त है 11:57 से लेकर 12:48 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 7:37 से लेकर के सुबह 9:12 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशा शूल है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा है वृश्चिक राशि में, तो जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो तो चंद्रमा नीच की राशि पर रहते व्यक्ति आज इमोशनल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इमोशंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, अपने को चैनलाइज करिए, कॉन्सेंट्रेट हुई अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए। राहु काल में किसी कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दिशाशूल में यात्रा कतई न करें, लगता है यात्रा छोटी दूरी की है तो एक दिन पूरा प्रस्थान निकाल के करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय, ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। यह जो महामंत्र है भगवान भोलेनाथ का है। यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यह मंत्र बहुत ही ताकतवर मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है भगवान शिव का। और अगर आप इस मंत्र का नियमित जप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन खराब है या चंद्रमा के साथ राहु है या चंद्रमा के साथ केतु है, तो अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो यदि आप चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, इसलिए इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। आज है सोमवार और आज है भगवान भोलेनाथ का दिन। आज भगवान भोलेनाथ की जाती है पूजा।